दोस्तों दबंग थ्री को लेकर अक्षय कुमार का बयान आ चुका है। जी हां, बता दें कि दबंग थ्री को लेकर अक्षय कुमार ने कह दी है इतनी बड़ी बात। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड न्यूज। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें, जहां सलमान खान की फिल्म दबंग थ्री जो कि 20 दिसंबर 2019 को रिलीज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज जो कि 27 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। तो ऐसे में दोनों ही फिल्में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जरूर टकराएंगी, क्योंकि महज एक हफ्ते के बाद गुड न्यूज रिलीज होती है और एक हफ्ते पहले दबंग थ्री रिलीज होती है। इस तरह से स्क्रीन में तो टकराव होगा ही। वैसे दोस्तों आप लोग ये जानते होंगे कि फिलहाल तो दबंग 3 को पूरी की पूरी स्क्रीन मिलती जा रही है। वहीं दबंग 3 को जहां पर इतनी बड़ी स्क्रीन मिली है, वहीं अक्षय कुमार अपनी गुड न्यूज के प्रमोशन में भी काफी ज्यादा जोरों शोरों से लगे हुए हैं और जुटे हुए हैं। वहीं दोस्तों हाल ही में एक इवेंट के दौरान अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म प्रमोशन के दौरान मीडिया के साथ इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने दबंग 3 को लेकर कह दी इतनी बड़ी बात। जी हां, बता दें कि दबंग 3 को लेकर उन्होंने मीडिया ने जब ये सवाल पूछा कि जहां पर दबंग 3 फिल्म आपके साथ एक तरह से कहीं ना कहीं टकराव करने वाली है गुड न्यूज से, तो ऐसे में आपकी फिल्म पर इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि स्क्रीन तो पूरी की पूरी दबंग 3 को भी फिलहाल मिल चुकी है। क्या आपको भी स्क्रीन इतनी मिल पाएगी जितनी स्क्रीन दबंग 3 को मिली है? तो उस पर उन्होंने कहा, ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जानता हूं कि सब जितनी भी फिल्में आती हैं सबके अपने अलग अलग ऑडियंस होते हैं, तो इसमें किसी भी फिल्म को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही दोस्तों बता दें कि अक्षय कुमार ने ये भी बात कह डाली कि ये ऐसी बात नहीं है कि फिल्में जो बनती हैं वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनती हैं, ना कि एक दूसरे के साथ नुकसान करने के लिए या नुकसान कराने के लिए। ऑडियंस को अब जो फिल्म पसंद आएगी वही फिल्म देखने जाएगी। वहीं मीडिया ने यह भी कह दिया कि अगर ऐसी बात तो नहीं है कि अक्षय कुमार के फैंस सिर्फ अक्षय कुमार की ही फिल्म देखने जाएंगे, और ऐसा बात भी नहीं है कि सलमान खान के फैंस सलमान खान की ही फिल्म देखने जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अक्षय कुमार के फैंस जो हैं सलमान खान की भी फिल्म देखने जाएं और सलमान खान के फैंस जो हैं अक्षय कुमार की भी फिल्म देखने जाएं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं फिल्म इंटरटेनमेंट के लिए बनती है। तो ऐसी बात तो है कि कहीं ना कहीं आपकी स्क्रीन के साथ काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना भी पड़ सकता है आपकी फिल्म को, तो आपने इस फिल्म की जो डेट है वो आगे क्यों नहीं कर डाली? तो उन्होंने कहा कि मेरी आगे आने वाली भी एक फिल्म है, उसके साथ मेरी फिल्मों का ही टकराव हो जाता, इसलिए मैंने अपनी फिल्म को थोड़ा सा बैक कर लिया, और ये कोई बात नहीं है, महज एक हफ्ते में ही जो कलेक्शन करनी होती है कोई भी फिल्म वो फिल्म कर लेती है। दोस्तों कहीं ना कहीं अक्षय कुमार ये जानते हैं कि उनकी फिल्म को नुकसान भी हो सकता है दबंग 3 से, क्योंकि दबंग 3 को हाइप और क्रेज देखते हुए इसकी स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार की भी स्क्रीन को अपनी ओर खींच रही है। क्योंकि आप लोग ये जानते होंगे कि दबंग 3 की जब से एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है तब से इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हाइप और क्रेज बढ़ा हुआ है, और यहाँ तक कि जितने भी एग्जीबिटर्स हैं सभी दबंग 3 के ही राइट्स को खरीद रहे हैं, और ऐसे में पूरी तरह से स्क्रीन जो है दबंग 3 को मिल जाएगी, तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ यानी कि अक्षय कुमार की फिल्म को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या कहना है दबंग 3 पर अक्षय कुमार के रिएक्शंस को लेकर, और साथ ही आप लोग कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से यही सजेशन है कि आप दोनों ही फिल्में देखने के लिए जाएं, क्योंकि दोनों ही फिल्में काफ़ी अच्छी हैं। वैसे दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें, साझा करें। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, जैसे मेरे पास आई कोई रिपोर्ट आती है तो मैं आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आपने विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें।